मकान भले ही ईंट और पत्थर से बनता हो पर एक घर रिश्तों से बनता है। मेरे दिल के सिवा मेरे पास रहने को जगह ही कहाँ है। बिजनेस में हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि बिजनेस भी शिकार करने जैसा है। आंख और कान खुले रखो। हर संत का एक बीता हुआ कल होता है और हर पापी का एक आने वाला कल होता है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि एसआरके की जो नेक्स्ट मूवी होने वाली है वो एक ऐसी मूवी होगी जो आप लोग को रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि संजय लीला भंसाली के साथ अब एसआरके नहीं करने वाले मूवी, ये कंफर्म हो चुका है। रोमको मूवी हो चाहे कॉमेडी मूवी हो, संजय लीला के साथ नहीं करने वाले। अब एसआरके उनको साइड कर रहे हैं और एसआरके अब चाहते हैं कि एक्शन वाली मूवी हो। लेकिन नेक्स्ट मूवी कौन सी होने वाली है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूं, लेकिन एक ऐसी मूवी जिसको आप लोग नॉर्मल अभी से मत समझना, क्योंकि भैया जी कंफर्म हो चुका है कि फरवरी या मार्च के अंदर आप लोग को अनाउंसमेंट तो देखने को मिलने वाली है, लेकिन किस डायरेक्टर के साथ होगी क्योंकि मैं आप लोग वो बताने वाला हूं। लोग बोल रहे थे कि बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर से एसआरके हमको साउथ के बड़े डायरेक्टर के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। अब बड़े डायरेक्टर जो हैं उनमें नाम आ रहा है सबसे पहले लोकेश कनकराज का। अब लोकेश कनकराज होते हैं या नेल्सन होते हैं या फिर से एटली कुमार हो जाते हैं, ये तीनों ही डायरेक्टर ऐसे हैं जो एसआरके के साथ काम करना चाहते हैं और एसआरके खुद भी इनके साथ काम करना चाहता है। तो यहां से पता चल जाता है कि मूवी जो होगी वो गांड फाड़ तो होगी ऐसी होगी, तगड़ी होगी, गूज बम्स वाली होगी। लेकिन अगर बात करूं तो पठान और जवान का रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखती होगी मूवी। अब एसआरके जो है कोई सीक्वल अभी नहीं करने वाले, 2025 तक पठान 2 हो चाहे जवान 2 हो चाहे कोई मूवी हो, सीक्वल नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसी मूवी करेंगे जो नहीं होगी। फिर उसके बाद पठान 2 आए, जवान 2 आए, कुछ भी आए, लेकिन नेक्स्ट मूवी जो होगी वो सीक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट मूवी ऐसी दमदार होगी जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, सारे सोशल मीडिया पे आग लगा देगी। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा कि एसआरके की आने वाली मूवीज अब जितनी भी होंगी वो हाई ऑक्टेन एक्शन वाली मूवीज होंगी, जिसमें आप लोग बढ़िया वीएफएक्स, बढ़िया एक्शन, सब कुछ आप लोग स्टोरी लाइन सब कुछ तगड़ी देखने को मिलेगी और ऐसे डायरेक्टर के साथ आप लोग कोलैब करते हुए नजर आएंगे जो आप लोग एक्सपेक्ट आप लोग उम्मीद नहीं कर पाओगे।